हाउ टू फिक्स कनेक्टिंग टू अदर डिवाइस सक्सेसफुली। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के ऊपर कि अगर आपको आपके मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम बार बार शो हो रहा है कनेक्ट टू अदर डिवाइस सक्सेसफुली तो आप भाई परेशान है, ये कौन सा प्रॉब्लम है, हमें ये क्यों देखने को मिल रहा है। तो गाइस आप भाइयों को बताता जाऊं, ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादातर टेक्नो इन्फिनिक्स मोबाइल के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आप भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कि आप भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो सो गाइस आज की वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो का कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो सो गाइस बिना उकसाए के चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले तो आप भाइयों ने क्या करना है, आप भाइयों ने अपने मोबाइल को सबसे पहले तो रीस्टार्ट करना है। आप भाइयों ने पावर वाले बटन को प्रेस करके रखना है, आपने सबसे पहले तो अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट जिस तरह मेरे पास ये रीबूट का ऑप्शन आ रहा है, तो इतना करने के बाद आप भाइयों के मोबाइल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आपको ये एरर है वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही गाइस आप भाइयों को बताता जाऊं, फिर भी मेरे कुछ ऐसे भाई होंगे जिनकी ये प्रॉब्लम अभी तक भी सॉल्व नहीं होगी। तो उन भाइयों ने क्या करना है, उन भाइयों ने अपने मोबाइल की जो सेटिंग है, सेटिंग को ओपन करना है, स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करेंगे, आपने मोर सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है। मोर सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपने चले जाना है बैकअप एंड रीसेट। तो बैकअप एंड रीसेट वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आप भाइयों ने अपने मोबाइल की जो सेटिंग है इसे रीस्टोर कर देना है। तो आपने अपने मोबाइल का जो पूरा डेटा है वो अरेज नहीं करना, जस्ट आपने अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसे रीस्टोर करना है। तो इधर देखने को मिल रहा है जैसा कि सेकंड लास्ट पे रीस्टोर ऑल सेटिंग, तो आपने रीस्टोर ऑल सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप भाइयों ने अपना जो मोबाइल का पासवर्ड है वो टाइप करना है और इसे रीसेट कर देना है। जस्ट रीसेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो रीस्टोर करने के बाद आपका जो मोबाइल है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इस तरह भी आप देख रहे हैं कि मेरा मोबाइल जो है बिल्कुल फ्रेश हो चुका था, एक दफा ऑफ होकर ऑन हुआ दोबारा, तो इसमें हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी वो कट हो चुकी है। तो उसके बाद अब भाइयों को बताता जाऊं कि आपकी जो 100% है, 100% कह रहा हूं, 90% लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो पीछे कुछ मेरे ऐसे भाई होंगे, 2-3 भाई जिनकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होगी, तो उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप भाइयों ने क्या करना है, आप अपने मोबाइल को जहां से चार्जर लगाते हैं उस जगह की आपने अपने सफाई करनी है। आपने अपने दांतों वाला ब्रश लेना है, दांतों वाला ब्रश लेने के बाद उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा पेट्रोल डालकर उस पिन की सफाई करनी है। आप भाई उस पिन की जिस तरह ही सफाई करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी कनेक्टिंग टू अदर डिवाइस सक्सेसफुली, ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो जो आप भाइयों के साथ शेयर की कि आप भाइयों को आपके मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम जो है बार बार देखने को मिल रही है, आप भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद भी अगर आप भाइयों को प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होती तो फिर आपका हार्डवेयर का मसला है, आपने अपने मोबाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यानी कि किसी हार्डवेयर वाले के पास जाकर अपनी वो चार्ज वाली जो पिन है उस जगह की अच्छे से सफाई करवानी है, उसके बाद आप भाइयों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो छोटी सी वीडियो जो आप भाई शायद शेयर की अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप भाइयों का कोई भी क्वेश्चन है इस चीज के ऊपर तो नीचे कमेंट बॉक्स से आपने उधर मुझसे जरूर शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भाइयों ने अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।